मथुरा रेलवे जंक्शन पर टेम्पो और टैक्सी चालकों ने रेलवे अधिकारियों की मनमानी के चलते धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मथुरा जंक्शन पर विरोध प्रदर्शन करते ये सभी लोग टैक्सी चालक और टेम्पो चालक हैं, जो कि रेलवे अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी के विरोध में अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। इन सभी टेम्पो और टैक्सी चालकों का कहना है कि पूर्व में उनके टैक्सी और टेम्पो रेलवे स्टेशन के निकट खड़े किए जाते थे, लेकिन रेल अधिकारियों की मनमानी और ठेकेदार की सांठगांठ के चलते अब उन्हें रेलवे स्टेशन से दूर कर दिया गया है। यहां तक कि उनके लिए कोई पार्किंग स्थल का भी निर्धारण नहीं किया गया है। वे रोजाना अपनी पर्ची कटवाते हैं, इसके बावजूद भी जीआरपी द्वारा अपनी मनमानी करते हुए उनका चालान कर दिया जाता है। इन सभी की शिकायत ये भी थी कि वे ठेकेदार से पर्ची कटवाते हैं, लेकिन जब वो स्टेशन से बाहर की ओर जाने लगते हैं तो उसी ठेकेदार के दूसरे गुर्गे उनसे 10-10, 20-20 रुपए के नाम पर जबरन वसूली करते हैं। इन सभी टैक्सी चालकों का कहना था कि वे रेलवे अधिकारियों की बात मान रहे हैं, लेकिन ठेकेदार की सांठगांठ के चलते ठेकेदार और जीआरपी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कुछ चालक स्टेशन के प्लेटफॉर्मों पर ही पहुंच जाते हैं और आने वाले यात्रियों से अनाप शनाप पैसा वसूलते हुए उन्हें ऐसे गेस्ट हाउस में ठहराते हैं जहां से उनका कमीशन बधा होता है। कुल मिलाकर बात ये रही कि कमीशनबाजी के चक्कर में ठेकेदार और जीआरपी और रेलवे अधिकारी इन टैक्सी चालकों को अनदेखा कर रहे हैं। इसका पूर्व में टैक्सी चालकों द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन रेलवे के एरिया मैनेजर द्वारा एक सप्ताह का समय मांगे जाने पर धरना समाप्त कर दिया गया था, लेकिन एक सप्ताह बाद भी उनकी समस्या का निदान नहीं हुआ तो वे स्टेशन के सामने पीपल के पेड़ के नीचे फिर से धरना प्रदर्शन करने बैठ गए। मौके पर पहुंची मंच न्यूज टीम ने इस संबंध में बात की तो टैक्सी चालक संघ के पदाधिकारियों ने अपना आक्रोश कुछ इस तरह से जाहिर किया। जी बताएं कि आप एक बार फिर हड़ताल पर बैठे हैं, पहले भी हड़ताल की थी, क्या आपसे मिला था, अब क्या कह रहे हैं ये लोग? हम पहले 20 तारीख से 21 तारीख तक बैठे थे जी, और इन्होंने लिखित में आश्वासन दिया था, 7 दिन का टाइम मांगा इन्होंने, 7 दिन में हम आपकी समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान कर देंगे, और समाधान आज तक 1% भी नहीं किया है। हमारे साथ हम धोखा ही हो रहा है। और मांग क्या थी? मांग हमारी ये है, खाली दो बात है मुख्य बात, एक तो लपका गिरी है, दलाल है, पूरे स्टेशन ऐसे घेर रखा आतंक है उनका, उनको लपका गिरी और दलालों से मुक्ति चाहिए पूर्ण रूप से, और अवैध वसूली जो गुंडे के बल पे अवैध वसूली करते हैं वो रोकी जाए, दो मुख्य मांगे हैं। और रही टैक्सी और ऑटो वालों के लिए, उनकी जगह खड़े होने के लिए सुबह व्यवस्था की जाए, ये हमारी तीन मांगे हैं। एरिया मैनेजर ने क्या आश्वासन दिया था पहले? एरिया मैनेजर तो उसी दिन से हमको धोखा देते चले आ रहे हैं, 2 साल से मिलकर पीछे लगे हुए हैं, इनकी कुछ करिए व्यवस्था सुनते हैं, पत्राचार में उच्च अधिकारियों तक मुक्त किया, 2 साल से लग रहा हूँ और आज तक कोई सुनवाई नहीं, और आरटीआई डालते हुए वो मैंने से कई आरटीआई भी डाली है, और उसमें जब इनको देखा ओवर रेट वसूल हो रही है या अवैध वसूली हो रही है, ये इसका 5 पैसे का हक नहीं बनता, वो 50 रुपया लूट रहा है। ये आंशिक रूप से नहीं रहेगी, ये रहेगी 24 घंटा, और जब तक रहेगी जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, चाहे 1 महीने में करें चाहे 1 साल में करें, समाधान होगा तब तक रहेगा।